स्वागत है आप सभी लोग का। चलिए आज बात करेंगे एनसीसी भर्ती को लेके। जी हाँ, या एनसीसी के माध्यम से जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, एनसीसी का क्या फ़ायदा है, एनसीसी करने से क्या छूट मिलती है, एनसीसी करना हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं, एनसीसी कैसे की जाती है, एनसीसी का कहाँ कहाँ पर छूट मिलता है, और एनसीसी की आज हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं A to Z। क्या एनसीसी करने से हमें ज़्यादा ही कुछ प्रॉफिट होता है हमारे भर्ती में लेके, या हमारी एज में कुछ छूट मिलती है? तो आज आपके दिमाग में जितना भी सवाल है एनसीसी को लेके, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, और बहुत ही आसान हिंदी भाषा में आपको बताऊंगा एनसीसी की पूरी बात। एनसीसी की जब गठन हुआ था, तो एनसीसी की गठन इसलिए हुआ था ताकि कभी तत्काल में सैनिकों की ज़रूरत पड़ जाए लड़ाई के लिए। मान लीजिए पाकिस्तान चाहे चाइना किसी देश से जंग छिड़ जाए, तो एनसीसी को कैडेटों को तुरंत बुला लिया जाए। यानी एनसीसी में आप लोग को हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं देश की सेवा करने के लिए, उन्हें जो आता है, जो भी बंदूक के बारे में या जो भी हथियारों के बारे में, सारे ज्ञान आपको दे दिया जाता है। एनसीसी का मतलब ही होता है आपको डिफेंस के लिए तैयार करना, ठीक है? तो चलिए आज बात करेंगे एनसीसी। हालांकि एनसीसी लड़के चाहे लड़कियां अपने स्कूल के माध्यम से करती हैं, ये एनसीसी सिर्फ स्कूल के माध्यम से किया जाता है, इसका कोई अलग से किया नहीं जाता है, अलग से इसका सर्टिफिकेट पैसे से नहीं खरीदा जाता है, ये आपको स्कूल में करना पड़ता है एडमिशन लेने के दौरान, ठीक है? तो हालांकि एनसीसी क्लास 9th में मिलती है, 9th से ही मिलना स्टार्ट होती है, आप 16 साल 17 साल के होते हैं तब से मिलना स्टार्ट होती है, ठीक है? उसमें एज का बहुत ही वो एज डिफरेंस होता है। अगर आपकी एनसीसी के लिए एज नहीं है तो आपको एनसीसी दी भी नहीं जाती है। आप चाहते हैं 25 साल के हैं, 24 साल के हैं, 23 साल के हैं और एनसीसी ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उन्हीं लड़कों को एनसीसी मिलती है जो 15 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है, और 20 साल के बीच में होते हैं। हालांकि 9th में एनसीसी मिलना स्टार्ट होती है। एनसीसी को 3 भागों में बांटा गया है, एनसीसी सर्टिफिकेट A, B और C 3 में बांटा गया। आपको 9th में ए मिल जाती है, ठीक है, 9th, 10th और यहाँ पे 11th, और उसके बाद आता है 12th, ठीक है? तो यहाँ पे एनसीसी A, B, C सबसे पहले आपको ए मिलती है जब आप 9th में आते हैं, तो 9th से 10th आप पढ़ते हैं, ए आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है? और जब 10th से 11th पढ़ेंगे तो आपकी एनसीसी बी कंप्लीट होती है, ठीक है? और 11th से अगर 12th पढ़ते हैं तो आपकी सी कंप्लीट होती है, ठीक है? अगर लगातार 3 साल आप करते हैं तो जाके आपकी एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। और इससे फ़ायदा कहाँ कहाँ पर होता है इस पर भी बात करेंगे। और मान लीजिए आपने 12th तक एनसीसी नहीं लिया है, आप चाहते हैं एनसीसी करना 12th के बाद, तो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो आपने ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom जो भी एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, उसमें भी एनसीसी मिलती है। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहो तो इसमें एनसीसी ए ले सकते हो, उसके बाद बी ले सकते हो, उसके बाद सी ले सकते हो। तुम्हारे ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी की डिग्री भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है? हालांकि एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो तुम्हें एग्ज़ाम में 5 नंबर की छूट मिलती है, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो गया, नेवी, एयरफोर्स वगैरह कोई भी एग्ज़ाम, उसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है? जो भी डिफेंस में एनडीए में आती हैं वो मैं आपको बता दूंगा जब भी वो वैकेंसी आएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे देख रहे होगे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको फटाक से दबा दो, बगल में बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी भर्ती आती है एनसीसी के लिए या एनसीसी वालों के लिए, चाहे एनसीसी से संबंधित, चाहे आर्मी में, किसी भी फील्ड में भर्ती आती है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर देना लास्ट में, और देख लो। बी करोगे तो 10 नंबर मिलता है, ठीक है, इससे भी तुम्हें बेनिफिट होता है। अगर सी करते हो तो किसी किसी फील्ड में तुम्हें एग्जाम नहीं देना पड़ता है, जैसे आर्मी में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीधा दौड़ निकालो, फिजिकल मेडिकल निकालो, डायरेक्ट तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है? ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए फॉलो करता है, ठीक है? ये तो मैंने एनसीसी ABC के लिए बता दिया, और तुम्हें कहाँ मिलता है ये मैंने बताया। साथ ही साथ एनसीसी देखो अब स्पेशल क्या होता है, एनसीसी की स्पेशल एंट्री भी आती है, एनसीसी की अलग से भर्ती भी कभी कभी आती है लड़के लड़कियों के लिए। उसमें एज लिमिट उनकी होती है 18 से 25 या 19 से 25 साल तक वो देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% से, ए या बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आर्मी में आती है 10th पास लड़के लड़कियों के लिए GD की भर्ती। अगर आप एनसीसी दिए होते हैं, GD की भर्ती आती है, GD, ठीक है,
जीडी यानी जनरल ड्यूटी, टेंथ पास होती है दसवीं पास, ठीक है। इसकी उम्र होती है 17 से 21 साल के बीच में ही ये जीडी की भर्ती देखी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर उसका एज ओवर हो गया है तो उसके एनसीसी का सर्टिफिकेट बेकार होता है जीडी के लिए, यानी एनसीसी का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वो लड़का लड़की जीडी की भर्ती नहीं देख सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 17.5 से 21 के बीच में जीडी की भर्ती आती है, टेंथ पास लड़के देखते हैं। देखिए लड़कों के लिए तो ठीक होता है, 45% लड़कों का क्लास टेंथ में होता है तो उनका एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन लड़कियों का अगर 45% क्लास टेंथ में होता है तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, क्योंकि कट ऑफ बनता है, लड़कियों की मेरिट लिस्ट पहले जारी होती है। उनका अगर क्लास टेंथ में 80% से ऊपर होता है, पिछली 2019 में बनी थी 86% जिसका था उसका एडमिट कार्ड आया था, 85% बनी है 2020 में, और 2021 में कितनी बनेगी वो भी 80% से ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो लड़कियाँ जब भी आर्मी की भर्ती देखें जब उनका क्लास टेंथ में परसेंटेज हाई हो यानी अच्छा हो तो ही देखें, नहीं तो आर्मी की भर्ती ना देखें। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं, चाहे आप मुझसे खुश रहो चाहे नाराज रहो, ठीक है। लेकिन और भी अन्य भर्तियां हैं जहां आपको मौका दिया जाता है, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कांस्टेबल, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके बारे में भी मैं बताते रहता हूं। तो यहां तक मैंने बताया कि एनसीसी स्कूल में मिलती है, उसका फायदा डिफेंस जॉब में होता है, 5 नंबर 10 नंबर एग्जाम फ्री ऐसे मिलता है। एनसीसी तभी करो जब तुम्हारा परसेंटेज बढ़िया है क्लास टेंथ में या बढ़िया लाओ, और ख़ास तौर से आर्मी में इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। उसके बाद नेवी में एनडीए में जो भी होता है एनसीसी का महत्व होता है, उसमें छूट दी जाती है। एनसीसी की स्पेशल भर्ती भी कभी कभी आती है लेकिन बहुत कम आती है, ठीक है। साथ में और अगर तुम्हारा कोई सवाल है एनसीसी को लेके, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि एनसीसी को लेके अब तक आपके दिमाग में कोई भी सवाल आया होगा। अगर कोई भी सवाल आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में नहीं मैं दिया हूं तो मैं आपका जवाब दूंगा। अगर वो जवाब वीडियो के अंदर है तो वीडियो को काट के दोबारा चलाओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा, अगर मेरी बातें ध्यान से सुने होगे तो, ठीक है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है दबा दो, बगल में बेल आइकन है दबा दो, कोई सवाल अब भी अटक गया है फंस गया है तो कमेंट करके पूछ लो। अगर वहां नहीं जवाब देता तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। इंस्टाग्राम है राकेश RAKEE, ठीक है, ये ई है, SHYSY2, ये नंबर वाला 2 है, @Instagram, मतलब जो भी, मतलब ये यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम की, RAKEESHSY2, ठीक है, फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारा पर्सनल चैनल है राकेश यादव ज्वाइन इंडियन आर्मी यूट्यूब पे, उस पर आ जाओगे तो सारी समस्याओं का हल और मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।